राजस्थान में नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गया है। जहां एक तरफ विपक्षी चुनाव आयोग को शिकायत की है, वहीं पुणे की कांग्रेस महिला अध्यक्ष संगीता तिवारी ने जमकर हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर। नमस्कार, मैं पुणे से संगीता तिवारी। वाह मोदी जी वाह, क्या भाषण है आपका। 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो बातें की उसमें से दो लाइनें लेके, फिर हिंदुओं में जो महिलाओं में मंगल सूत्र का जो अहमियत है उसके ऊपर आना, महिलाओं के मंगल सूत्र की इमोशनल बातें करना, कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को। मोदी जी, पहले तो महिलाओं के सोना और पैसे पे डाका आपने डाला है नोटबंदी करके। नोटबंदी के बाद में आपने जो जो बातें की उसका झटका जो बैठा है वो हमारे भारतीय महिलाओं के जेब पे ही पड़ा है, और आप हमको बता रहे हैं कि आपके मंगल सूत्र जाएंगे। इमोशनल खेला बंद करो मोदी जी, इमोशनल खेला बंद करो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ कितना झूठ बोलेंगे आप। एक पंत प्रधान की गरिमा है, उस गरिमा को तो संभालो। आज आप भाषण में बोल देते हो, कोई कम्युनिटी का नाम लेते हो, माइनॉरिटी का नाम लेते हो, और उसके लिए कांग्रेस पैसा दे रही है और उनका हक पहला, ऐसा कांग्रेस बोलती। कितना झूठ बोलोगे, किस लिए? कुछ मतों के लिए मत कीजिए खेल। अब सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है, लोग देखते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं रही तो भी वो सोशल मीडिया पे उनको पता चलता है सच क्या है, झूठ क्या है। अब भावनाओं का खेला बंद करो, हिंदू मुस्लिम खेला बंद करो, और हमारी जो हिंदी संस्कृति में मंगल सूत्र जो औरतें पहनती है उसका महत्व औरतों को मालूम है। आपने जब आपके खुद के बीवी की मंगल सूत्र, पता नहीं आपको मालूम है क्या नहीं, पर आपके बीवी के मंगल सूत्र की भी गरिमा नहीं संभाली तो आप बाकी पूरे भारतीय महिलाओं के मंगल सूत्र की बात ही मत करो मोदी जी। पर आपको वापस बताते कि महिलाएं आप भावनिक खेलाओं का नहीं सुनेंगी, आपका भावनिक खेला, आपका जातीयवादी खेला बंद करो मोदी जी। प्रगति के ऊपर, रोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर कुछ बोलो तो हम महिलाएं सुनेंगी, नहीं तो हम आपका भावनात्मक और इमोशनल ब्लैकमेल नहीं सुनेंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।